कोरोना महामारी के खिलाफ देश की जो लड़ाई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में ये पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। फर्स्ट वेव के समय ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मंत्र दिए थे देश को, उसके अनुरूप कार्रवाई करने की तैयारी और उस आधार पर जब भी जहां पर भी कार्रवाई की गई उसके बेहतर परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के सबसे बड़े राज्य की चुनौती भी उतनी बड़ी थी। फर्स्ट वेव के समय 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए थे, उनका व्यवस्थित पुनर्वास, उन्हें कोविड महामारी से बचाओ और ये प्रयास निरंतर हमारे चले। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, वेव सामान्य थी लेकिन संक्रमण फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में 30 से 50 गुना अधिक थी और इसके कारण ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। अचानक ऑक्सीजन की डिमांड हुई। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन की इस डिमांड को ध्यान में रख करके उस समय तो भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर जनपद तक पहुंचाने की कार्रवाई हुई। बहुत सारे जनपदों ने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को अपने यहाँ संचालित करके स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद की, लेकिन भविष्य की चिंता हमारे सामने है। हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज हर जनपद के अंदर लग रहे हैं और हमने हर जनपद को कहा है कि एक नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात करिए जो केवल ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए वहां पर निरंतर उसकी समीक्षा कर सके, उसकी मॉनिटरिंग कर सके और उन्हें समय सीमा के अंदर स्थापित कर सके। ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में संक्रमण अधिक होने के नाते बड़े पैमाने पर हेल्थ लाइन वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर ये सभी इन्फेक्ट हुए। प्रशासनिक टीम से जुड़े हुए अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण, सामान्य नागरिक, लेकिन इन सब से बचाव के लिए भी कैसे प्रयास किए जा सकते हैं उसके लिए हर एक स्तर पर प्रयास हुए। आज उसके परिणाम हमारे सामने स्पष्ट दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी टीम ने कोविड प्रबंधन का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया और इसके तहत टेस्ट एंड ट्रीट का जो फार्मूला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था हम लोगों ने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया। प्रदेश में फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट वेव आई थी उस समय एक्टिव के 67,000 तक पहुंचे थे, सेकेंड वेव में 3,10,000 तक पहुंची। हमने दोनों बार विशेषज्ञों के द्वारा जो आशंका व्यक्त की जा रही थी उसको निर्मूल साबित किया। जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सेकेंड वेव में यूपी के अंदर प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे, हम लोगों ने इसको 38,000 तक सीमित रखा और आज 3,10,000 के एक्टिव केस घट करके प्रदेश में 69,000 मात्र रह गए हैं। प्रदेश के अंदर सबसे अधिक एक दिन में पॉजिटिव केस जो आए थे 38,055 आए थे, आज वो संख्या 3,900 तक पहुंच गई है। मात्र 3,900 पॉजिटिव केस आज आए हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार डाउन हो रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ी है, लेकिन हमें इतने भर से
शांत नहीं रहना है। निगरानी समितियों ने बेहतर काम किया, डोर टू डोर सर्वे का काम, समय से उपचार के लिए मेडिसिन किट के वितरण का कार्य, आरआरटी की टीम ने तेजी के साथ टेस्ट की क्षमता को बढ़ाया। फर्स्ट वेव में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में कोविड पॉजिटिव का केस आया था, हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, हमने एनआईवी पुणे सैंपल भेजे थे। आज उत्तर प्रदेश 3.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुका है। हमारे पास फर्स्ट वेव के प्रारंभ में एक भी बेड्स मौजूद नहीं था, आज हमने भारत सरकार के सहयोग से 80,000 से अधिक हमारे पास वेंटिलेटर और आइसोलेशन बेड्स मौजूद हैं। आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी बृहद स्तर पर पूरे देश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश भी उसमें अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। टेस्ट की क्षमता अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 4,70,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुका है, और वैक्सीन की अगर आप बातें देखेंगे तो 1,65,00,000 से अधिक लोगों को हम अब तक वैक्सीन दे चुके हैं। हम लोगों ने अगले फेज में एक व्यवस्था की है कि वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है, और इसके लिए 45 से ऊपर आयु के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार दे रही है, लेकिन 18 से 44 के बीच में राज्य सरकार को वैक्सीन लेनी पड़ रही है। हम अब तक 23 जनपदों में वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। पहली जून से हम इसे सभी 75 जनपदों तक इसका विस्तार दे रहे हैं, और 75 जनपदों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पहली जून से हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें हमने कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, जैसे अभिभावक स्पेशल बूथ, उन सभी अभिभावकों को जिनके बच्चे 12 साल से छोटी उम्र के हैं, यानी थर्ड वेव की आसन्न आशंका को ध्यान में रखकर के उन अभिभावकों को पहले से ही वैक्सीन का कवर दे देना, जिससे इन्फेक्शन उनके साथ ना आने पाए या वे इन्फेक्ट ना होने पाए। दूसरा, हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू और नीकू के निर्माण की कार्रवाई हमारी तेजी के साथ प्रारंभ हो चुकी है। बहुत सारे जनपदों ने बनाने की कार्रवाई आगे कर दी है, कुछ लोगों की यहाँ तैयारी चल रही है, लेकिन थर्ड वेव के आने की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उससे पहले पहले हमारे ये सभी कार्य लगभग संपन्न हो चुके होंगे। और टेस्ट की क्षमता को बढ़ाना, पर्याप्त मात्रा में दवा और अन्य संसाधनों के लिए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज जहाँ है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है, और जिले में स्वास्थ्य विभाग में जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी को उसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है कि उनकी अध्यक्षता की कमेटी स्वास्थ्य विभाग की रिक्रूटमेंट की कार्रवाई को जिले के अंदर संपन्न करेगी, जिससे कहीं भी मैन पावर की कमी न पड़ने पाए। मैन पावर के रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई, ये सभी हमारी पैरेलल चल रही है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मिर्जापुर मंडल ने माँ विंध्यवासिनी की कृपा से अच्छा परिणाम दिया है। एक समय यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट लगभग 35% के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन एक सामूहिक प्रयास, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन, प्रशासनिक टीम और हेल्थ विभाग की जो टीम थी, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, इन सब ने मिलकर के जनता जनार्दन के सहयोग से आज इसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता हमें प्राप्त हुई है। यानी 2 से नीचे पॉजिटिविटी रेट तक यह मंडल पहुंचा है, और आने वाले समय में इससे बेहतर परिणाम लाने के लिए आज उन्हें कहा गया है। हम लोग पूरी तरीके से सेकंड वेव में जो एक और समस्या देखने को मिली थी वह थी कि पोस्ट कोविड केयर की, फर्स्ट वेव में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल चुकी है, बहुत सारी जगह बन चुके हैं। मिर्जापुर में भी पोस्ट कोविड वार्ड, यहां पर आज वहां पे मैंने देखा 5 पेशेंट वहां भर्ती हैं, और मैंने उनसे स्वयं वहां जाकर के बातचीत भी की। वे अपने आप को अब पूरी तरह आरामदायक स्थिति में पा रहे हैं। ऐसे ही थर्ड वेव की भी तैयारी हमारी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, और मेरा विश्वास है कि देश की जो लड़ाई कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही है, इस पूरी एक सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस महामारी
को मजबूती के साथ सभी को मिलकर के शासन प्रशासन हेल्थ वर्कर कोरोना वॉरियर्स जनता जनार्दन और सभी लोग जब मिलकर के इसके खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे तो इसके अपेक्षित परिणाम सामने आएंगे। और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग जगह जगह दौरे भी कर रहे हैं, एक अभियान के साथ जनता जनार्दन का सहयोग भी ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगातार दौरे कर रहे हैं। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। हमने पूरा लॉकडाउन नहीं किया है, एक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। हमारे कंस्ट्रक्शन के कार्य चालू हैं, हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, सब्जी मंडी खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य, ये सभी कार्य हमारे चल रहे हैं। लेकिन हर एक जगह कोरोना को परास्त करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क की अनिवार्यता, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्प डेस्क, ये सभी उसमें सतर्कता के लिए बनाए भी जा रहे हैं, बनाए भी गए हैं। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि कोविड के नाते बहुत सारे लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून में हर जरूरतमंद गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जून जुलाई अगस्त में राज्य सरकार हर गरीब और जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाएगा। लेकिन इसके साथ ही जिनकी जीविका प्रभावित हुई है, प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग थे, संगठित और असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक थे, माइग्रेंट लेबर हैं, स्ट्रीट वेंडर है, नाव है, मोची है, धोबी है, माली है, नाविक है, इन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है। इन लोगों को भरण पोषण भत्ता जून में हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को सामूहिक प्रयास से परास्त किया जा सकता है। और मेरी आप सबसे भी अपील है, हम लोगों को तैयार करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए। शहर हो या गांव, कोई टेस्ट करने से न भागे। वैक्सीन हर व्यक्ति को सुरक्षा कवच देगा, हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगाए, लेकिन जिस दिन उसको सेंटर में बुलाया जाए, जो नजदीक का सेंटर हो, हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर को भी अब आने वाले समय में वैक्सीनेशन के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अभियान होगा जो लोगों को एक सुरक्षा कवच दे सकता है। और मेरा आप सबसे अपील है कि हम मीडिया के माध्यम से भी अगर इस प्रकार की अपील लोगों के लिए जारी करें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, तो निश्चित ही कोरोना महामारी को पूरी तरह समाप्त करने में पूरे देश को मदद मिलेगी। धन्यवाद।